अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर मोहम्मद जाकिर एक नए वीडियो के साथ। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ग्रेस्टेशन के कंट्रोल रूम के बारे में बताऊंगा और साथ साथ आपको 11 के वी सर्किट ब्रेकर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ओके गाइस, तो आइए शुरू करते हैं। ओके गाइस, जिस तरह पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था सर्किट ब्रेकर के बारे में, तो 11 के कंट्रोल रूम सर्किट ब्रेकरों का एक मजमुआ होता है जिसमें हमारे पास इनकमिंग और उसके आउटगोइंग पैनल होते हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं इनकमिंग पैनल। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 11 के वी इनकमिंग पेल कंपनी का। तो अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो इसकी सीटी रेशियो हमारे साथ 2400/5 है और इसमें आप देखें तो कुछ मीटर लगे हुए हैं। इसके बारे में आपको मैं बताता हूं, ये हमारे पास इसका पावर फैक्टर मीटर है। ऊपर अगर देखें तो ये तीनों फेजों के एम्पेयर के मीटर हैं और नीचे हमारे साथ इसके केवी वोल्टेज का मीटर है। इसके साथ ये KWH मीटर लगा हुआ है और साथ ही साथ इसके पुश बटन इधर लगे हुए हैं। तीन पुश बटन है। इसमें दरमियान वाले दर्द रंग का जो है वो अलार्म का है। अगर ये ट्रिप होता है तो इस पर अलार्म आता है और अलार्म को ऑफ करने के लिए ये हम ये बटन पुश करते हैं। अच्छा, साथ ये ग्रीन वाला बटन जिस पर हमने टेप लगाया है ताकि गलती से कोई से ऑफ ना करे, तो ये ऑफ का बटन है। और इस तरह सुर्ख हमारे साथ ऑन का बटन है। नीचे ऊपर इसके ऊपर इंडिकेशन लगी हुई है जो कि हमें बताते हैं कि आया ये ब्रेकर ऑन है कि ऑफ है। अच्छा, ये देखे, ये सीडी जी रिले कहलाती है। इसको अर्थ पार्क ओवर करंट रिले भी कहते हैं। ये इसके साथ इसके कॉन्टेक्ट रिले है, कॉन्ट्रेक्टर रिले है। और ये देखे जी, ये इसको DC सुपरविजन रिले कहते हैं। अच्छा, अब मैं एक 11 के वी इनकमिंग ट्रॉली के मैकेनिज्म के साथ खड़ा हूँ, तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन चूंकि वो स्लाइड में था, अब मैं आपको इसे प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह होता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये इसके कॉन्टेक्ट हैं। ये तीनों ऊपर के कॉन्टेक्ट है, रेड येलो ब्लू, जो के बस बार के साथ जुड़ते हैं। अच्छा, ये देखें दोस्तों, ये हमारे इसके नीचे के तीनों कॉन्टेक्ट है जो कि CT के ज़रिए पावर का केबल के साथ जुड़ते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों कॉन्टेक्ट के दरमियान ये हमारा वैक्यूम बाटल लगा हुआ है। इस वैक्यूम बाटल के अंदर कॉन्टेक्ट होते हैं जो कि यहाँ पर जुड़ते हैं। चूँकि इसमें खिला होता है, इसकी अर्थ पिंचिंग मीडिया वैक्यूम है, इसलिए इसमें शोला पैदा नहीं होता। तो जब हम ब्रेकर को ऑन करते हैं तो इसमें कॉन्टेक्ट जुड़ जाते हैं और जब ऑफ करते हैं तो अलहदा हो जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो मैकेनिज्म देखा होगा इससे पहले वाले वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसका एक DC प्लग होता है। इसके ज़रिए हम पैनल के ऊपरी हिस्से से DC हासिल करके इसके मैकेनिज्म को मुहैया करते हैं। ये देखें, ये केबल इधर से निकलकर इधर मैकेनिज्म में आ रही है। अच्छा, ये 11 के ड्राइव का फ्रंट का हिस्सा है। आप देखें, ये वो केबल है जो मैं आपको बता रहा था DC प्लग का। इधर से होकर ये फिर नीचे मैकेनिज्म में जाता है। ओके स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं 11 के वी इनकमिंग के अंदरूनी मैकेनिज्म। अगर इसको मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि आप अगर इस केबल को देखें तो इससे जो DC के वायर आए हैं ये हमारे रोटरी को इधर से इन होते हैं और इधर से आउट होकर फिर ये इस केबलों को देखें इस सारे इक्विपमेंट को, पार्ट्स को ये सप्लाई फराहम करता है। अच्छा, अब आप इस चीज़ को समझे कि हमारे मैकेनिज्म में कुछ अहम हिस्से हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप नोट करें। इसमें देखें, ये हमारी चार्जिंग असेंबली है
ये इसके साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ये इसका चार्जिंग है और ये इसका चार्जिंग मोटर है। अच्छा, ये चार्जिंग असेंबली है। इसको अगर आप देखें तो ये देखें, ये हमारी ट्रिपिंग असेंबली है। इसके पीछे आप देखें तो पूरा एक मैकेनिज्म लगा हुआ है और इसके साथ ये हमारी क्लोजिंग असेंबली है जो कि नीचे इस लीवर से मिली हुई है, जुड़ी हुई है। ये काउंटर इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमें पता चले कि इस कर पर कितने ऑपरेशन हुए हैं ऑन ऑफ के। ये जितनी मरतबा भी ऑन ऑफ होता है तो ये फिगर हमारा तब्दील होता रहता है। अगर आप देखें तो इस पैनल पर, इस ब्रेकर पर अभी तक 265 ऑपरेशन हुए हैं। अच्छा, ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास कुछ इंडिकेशन है। ये जब हमारा स्प्रिंग चार्ज होता है तो हमारे पास ये इंडिकेशन आ रही होती है और जब डिस्चार्ज होता है तो हमारे पास ये नीचे वाला इंडिकेशन आ जाता है। इसी तरह जब हमारा ब्रेकर ऑफ होता है तो ये ग्रीन वाला जो इस पर ज़ीरो लिखा है ये इंडिकेशन आता है, और जब ऑन होता है तो सुर्ख वाला जिस पर 1 लिखा है वो इंडिकेशन आ जाता है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि जब ये हमारी 11 के ट्राली ब्रेकर के अंदर होती है तो इसके ऊपर के जो कांटेक्ट हैं वो बस बार के साथ जुड़े होते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया था कि बस बार पहले ही से एनर्जाइज होता है तो बस बार से सप्लाई इस कांटेक्ट के ज़रिए वैक्यूम बोतल में इस जगह पर तक कांटेक्ट के ज़रिए आ जाती है। अच्छा, अब जब हम ब्रेकर को ऑन करते हैं तो ये लीवर जो, ये जो आप देख रहे हैं ये लेच है, ये आगे चला जाता है और हमारे कांटेक्ट नीचे वाले कांटेक्ट ऊपर वाले कांटेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं। जो ही ये जुड़ते हैं तो हमारी सप्लाई, बस बार की सप्लाई इस वैक्यूम बॉटल के थ्रू यहाँ से होकर नीचे वाले कांटेक्ट के ज़रिए सीटी के टर्मिनल के केबल के ज़रिए मर्चेंट पोल तक पहुँच जाती है और वहाँ से लाइन के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों को जाती है। अच्छा, ये आप देखें, ये हमारे साथ एक पैनल है और इसमें एक ट्राली अंदर जा रही है जो कि फ़िलहाल खारजी पोजीशन पर है, बाहर है। अच्छा, अब जब हम इसे टेस्ट पोजीशन पर लाते हैं तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह बन जाती है, ये टेस्ट पोजीशन है, और जब हम उसे क्लोज पोजीशन पर लाते हैं तो ये इस तरह हो जाता है। तो इस पोजीशन में फिर ये सर्विस में आ जाती है और इससे ये बस बार से सप्लाई लेकर वैक्यूम बॉटल के ज़रिए ये हमारे सीटी के टर्मिनल तक आ जाती है। अच्छा, इस सिंगल लाइन की डायग्राम को गौर से देखें, ये हमारी लाइन आई हुई है सर्किट ब्रेकर में, और सर्किट ब्रेकर में फिर ये किस तरह तकसीम होती है देखें। ये जो आपको पहले ब्रेकेट के ऊपर देखे तो एक पावर फैक्टर का मीटर नज़र आ रहा है और इसके साथ हमारे पीटी सप्लाई फ्राम इनकमिंग पैनल और साथ ही एम्पेयर मीटर है। तो इसके लिए जो हमारी पीटी लगी हुई होती है तो इसके ज़रिए हमें ये KWH, MVI और KVRH मीटर के ज़रिए ये हमें बताता है। तो इसको पीटी सप्लाई आती है। अगर नीचे देखें तो ये मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन सीटीज, अब ये सीटीज का देखें कि सीटी से हमारी सप्लाई ऊपर के तीनों इक्विपमेंट में दी जा रही है और नीचे आप देख रहे हैं नीचे वर करंट अर्थ पार्ट रिले को भी आती है। एक 11 के वी आउटगोइंग फीडर है। अब हम इसको ऑन करते हैं तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह ऑन होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऑन ऑफ के लिए इसके दो पुश बटन लगे हुए होते हैं, सुर्ख पुश बटन ऑन के लिए इस्तेमाल होता है जबकि सबस ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं, ये देखें अभी इसको ऑन कर रहे हैं, सुर्ख बटन को दबाते ही
ये ऑन हो गया है और साथ साथ चार्ज भी हो गया है और साथ उसका सुर्ख इंडिकेटर भी ऑन हो गया है। अच्छा, इसी तरह ऑफ भी होता है। देखें, इसको हम ऑफ करते हैं, ये ऑफ हो गया। तो ऑफ होते ही इसका जो है सुर्ख इंडिकेटर बंद हो गया है और हमारा जो सुर्ख इंडिकेटर सब इंडिकेटर है वो जल गया है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आया ये फीडर ऑफ है कि ऑन है। अच्छा, ये इनकमिंग पैनल की बैक साइड है। आप देख सकते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर के उल्टी साइड से यहाँ 1000 MCM केबलों के ज़रिए 11 की सप्लाई इसको आकर ऊपर बस बार में जा रही है। अब जो आप देख रहे हैं तो ये एक आउटगोइंग पैनल है। ये देखिए, इससे तीन केबल तीनों फेजों के निकल कर बाहर मर्चेंट पोर्ट तक जा रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये वही केबलें अभी मर्चेंट पोर्ट तक ऊपर जाकर मेन से जुड़ी हुई है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ओके।